कौन ने वो लोग जिन्होंने दिल्ली में हिंसा करवाई, कौन ने वो लोग जिन्होंने किसानी अंदोलन ढा लाने की कोशिश की। उन्होंने चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, तो उन्होंने ही एक चेहरा है लखवीर सिंह उर्फ लखा सिधाणा का, जिसने पहला गुनाहों के रस्ते ते चल के समाज नाल धोखा किया, हुण अन्नदाते नाल। रिंग रोड की गल चल रही है, पिछो मैं देखता आया उधर भी स्टेज पर भी रौला पिया होया ही, उन्होंने जाना रिंग रोड से अपने टिकट भी फिर मंगनी जाएंगे यार। जिन्हां ने किसानी अंदोलन नूं लाइटा, जिन्हां शहीद होए किसानां नाल कीता धोखा, जिन्हां किसानां दी महीनियां दी तपस्या नूं कीता भंग, दिल्ली दे उन्हां गुनाहगारां नूं मिलेगी सजा। गणराज दिहाड़े ते दिल्ली दीआं सड़कां ते जो तांडव मचिया, 71 वरियां दे गणराज दीआं जो धज्जियां उड़ाईआं गईआं, उस दे गुनाहगारां दी फहरिस्त विच इक वड्डा नाम है लखबीर सिंह और लखा सिधाणा दा। वो लखा सिधाणा जो आज खुद नू समाज सेवी दसदा है, नौजवानों दा लीडर बनन दा सुपना वेखदा है, उस दे पिछोकड़ विच ने जुर्म दे काले निशान। वो किसे वेले रह चुके है गुनाह दी दुनिया दा बादशाह। पहला तुहानू दसदे हां कि दिल्ली दे इस गुनाहगार दा वो पिछोकड़ जो लिखे है कईयां दे लहू दी स्याही नाल। लखा सिधाणा ते कुल तकरीबन 25 मामले दर्ज हो चुके ने, इन्हां विच कतल, कतल दी कोशिश, किडनैपिंग अते आर्म्स एक्ट वर्गे संगीन मामले भी ने। कई मामलों विच लखा सिधाणा सजा भी कट चुके है, पर जेल तो बाहर आउण मगरों लखे ने अपना अक्स बदलन दी कोशिश कीती। खुद नूं नौजवानां दा मसीहा बनाउंदे होए उसने सियासत दा रुख कीता। साल 2012 विच मनप्रीत बादल दी पंजाब पीपल्स पार्टी विच भी शामिल होया अते रामपुरा फूल सीट तो चोण विच हिस्सा लिया, पर इन्नी बुरी तरह हारिया कि जमानत भी जब्त हो गई। अपना सियासी भविख पालदे होए ही लखा सिधाणा किसानी अंदोलन विच शामिल होया, पर इत्थे भी वह किसानां दा गुनाहगार ही साबित होया। किवें, आओ तुहानू दसदे हां। जनवरी महीने की शुरुआत विच किसान आगुआं वल्लों 26 जनवरी नूं दिल्ली दी रिंग रोड ते ट्रैक्टर मार्च करन दा ऐलान कीता गया सी, पर बाद विच पुलिस नाल हुई मीटिंग मगरों संयुक्त किसान मोर्चे ने रिंग रोड दी थां वक्रे रूट दे मार्च कढ़न दी सहमति बनाई, ताकि हालात खराब ना हो, किसानी अंदोलन नूं ढा ना लगे। पर इसे दा फायदा चुकते हुए लखा सिधाणा ने 25 जनवरी दी रात नूं किसान मोर्चे दी स्टेज तो गर्मा गर्म तकरीर करके नौजवानों नूं रिंग रोड वाल जाण लई उकसाया। मैनूं पता है कि मन दे अंदर की चल रहा, रिंग रोड दी गल चल रही है कि जेड़े पिछों मैं देखता आया उधरली स्टेज ते भी रौला पिया होया ही, उधर भी हजारां दी गिणती दे विच जेड़े साडे लोक ने नौजवान ने इकट्ठे होए खड़े आ कि यार ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਧਰਲੇ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਫਿਰ ਮੰਗਦੀ ਜਾਣਗੇ ਯਾਰ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਨੂਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਣੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ
कि जेड़ा उधर झंडा चलाऊगा उन्हू $2.5 लाख दिता जाऊगा। सारे ने सुनिया पढ़िया ते संयुक्त किसान मोर्चे दे प्रोग्राम दे खिलाफ प्रोग्राम दे के ते जेड़े बंदियां ने इत्थे एक रात खलर पाया साड़ी माता जी दस के गए आ और पांच मेंबरी कमेटी बनाई ते दसो $2.5 लाख जो किन्ना किन्ना वंडिया तुसी इस लाह दे गदारो दसो किन्ना किन्ना पैसा वंडिया तुसी इतिहास दी पिट छुरा मारन चले सीगे पर इतिहास माफ नहीं करूंगा। हमारे लिए एक बैरिकेड लगाया गया जहां से आगे हम नहीं जा सकते थे, लेकिन सरकार हमसे 17 दिन बाद 13 दिसंबर को कुछ लोगों को दिल्ली की तरफ से लाके उन्हें बिठा दिया। उनको कोई बैरिकेड उनके सामने नहीं लगाया गया और उन लोगों के साथ ही ये सारी साजिश रची गई और एक लखा सिदाना बीजेपी का आरएसएस का खास आदमी है और एक सॉरी लखा सिदाना नहीं दीप सिद्धू आरएसएस का खास आदमी है और एक लखा सिदाना उसके साथ मिला हुआ है। उन्होंने पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नाम पे जो एक जथेबंदी बनी हुई है उन लोगों से सांठ गांठ करके इस सारे आंदोलन को गहरी चोट पहुंचाई है। हालांकि दिल्ली पुलिस वालों भी लखा सिदाना ते दीप सिद्धू के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, पर इन्हां दे खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है क्योंकि शांतमई होने वाले ट्रैक्टर मार्च विच हिंसा भड़काउन दे इन्हां मुलजमां ने न सिर्फ महीनों तो सड़क ते तपस्या कर रहे किसानों नूं सगो अंदोलन विच अपनी जान कुर्बान करने वाले किसानों का भी अपमान किया है, धोखा दिता है। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC News।